नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं रोहित सावर। आज बड़ी बहस में हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जाट आरक्षण आंदोलन के बीच मुरथल में कथित रेप का मामला सामने आया। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस को फटकार भी लगाई। मामले में कई गवाहों के साथ पीड़िता भी सामने आई, लेकिन बाद में जहां गवाह मुकर गए तो सभी दर्ज मामले जांच में झूठे साबित हुए। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है। अब इन्हीं कड़ियों के बीच प्रदेश की सियासत भी सरगर्म है, जहां सरकार में मंत्री रामविलास शर्मा दावा कर रहे हैं कि स्वर्गीय जस्टिस सांघी ने उन्हें मामले में अहम सबूत मिलने की जानकारी दी थी, तो इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला मामले को फर्जी बताते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं जाट आंदोलन की आंच को जांच को लेकर भी सूबे की सियासत गर्म है। सरकार ने आंदोलन की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। अगर हम कहें कि आंदोलन के दौरान जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, उनकी भूमिका की जांच के लिए प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, लेकिन विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। ऐसे इस मांग के बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी सामने आए। अनिल विज ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में आरक्षण आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए। ऐसे में आज बड़ी बहस में इन्हीं दो सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मुरथल कथित रेप कांड का सच क्या है और क्या इस पूरे आंदोलन के दौरान जो उपद्रव हुआ, जो स्थिति बनी, उसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सरकार को कौन रोक रहा है आयोग गठित करने से। इन तमाम सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। जी हां, न्यायिक जांच आयोग गठित करने से क्यों सरकार बच रही है, पहला सवाल ये बड़ी बहस में उठता है। आज जो अनिल विज ने भी ये मांग की, इससे पहले विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि किसी सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, एक न्यायिक आयोग से जांच करवाई जाए इस पूरे मामले की। दूसरा बड़ा सवाल, मुरथल कथित रेप कांड का सच कब सामने आएगा? क्या अगर ऐसा हुआ था तो बिल्कुल जिन लोगों ने किया, जो लोग शामिल थे, उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ था तो क्या यह हमारे प्रदेश को बदनाम करने की साजिश है? और अगर यह साजिश है तो यह साजिश किसने रची, किसने गढ़ी, इसका भी पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो उपद्रव हुआ, तमाम तरह की स्थितियां बनी, उसकी न्यायिक जांच की मांग जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी विपक्षी दलों की तरह ही इस पूरे मसले पर न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। हम तो उसमें हमने जुडिशियल जांच की मांग की हुई है और वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तरह तरह के अलग अलग लोग आरोप लगा रहे हैं। सरकार की अपनी विफलताओं का ठीकरा विपक्षियों पे फोड़ना चाहते हैं। ये ठीकरा विपक्षियों पे ना फोड़कर जांच कराए, दोषियों को सजा दें। अगर वो कोई भी दोषी है, चाहे वो है चाहे वो है चाहे कोई भी है, उसको सजा दें, लेकिन जुडिशियल कमीशन द्वारा कराएं, क्योंकि इस सरकार पे लोगों का कोई किसी का विश्वास रहा नहीं है। वही मुरथल कथित गैंगरेप मामले पर भी सियासत जोरों पर है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला का कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ भी सामने नहीं आया और यह मुद्दा आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा दावा कर रहे हैं कि जस्टिस सांघी ने उन्हें फोन कर मामले में कुछ अहम तथ्य मिलने की बात कही थी। बेसलेस नहीं, जहां प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट्स आई निरंतर, उससे बाद एक अखबार ने, एक मीडिया चैनल ने निरंतर हरियाणा की छवि को खराब करने के लिए, और छवि को ही नहीं, एक और पर जिस तरह पूरा प्रशासन का फेलियर रहा उसको डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा के अंदर एक मामला उठाया गया, और आज तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो इंक्वायरीज हो रही है उसके अंदर कहीं भी ऐसे कोई आरोप सामने नहीं आए। तिरुपति बालाजी जाने से पहले जयपुर से मुझे फोन आया, कहने में तिरुपति से आते ही कुछ प्रमाण मेरे हाथ लगे और मैं इस पर कार्रवाई करूंगा।
जी, तो आज की इस बड़ी बहस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव जेटली साहब, दिल्ली स्टूडियो से राजीव जी आपका स्वागत है। इसके अलावा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक साहब हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल रहेंगे। दिल्ली स्टूडियो से मलिक साहब आपका स्वागत है। और कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगी। रंजीता जी आपका स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ वकील हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद रहेंगे रणधीर सिंह वर्धन साहब। वर्धन साहब आपका भी स्वागत है। और आईएनएलडी के प्रवक्ता रविंद्र ढुल साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे चंडीगढ़ से। ढुल साहब आपका भी स्वागत है इस पूरी चर्चा में। सबसे पहले हम कांग्रेस के पास चलते हैं। रंजीता मेहता जी, पूरे उपद्रव जो हुआ आंदोलन के दौरान, जो कुछ हुआ, जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, उसकी जांच के लिए क्या न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, क्या कहना है आपका, आपकी पार्टी की क्या लाइन है? देखिए रोहित, जो ये मामला है ये बहुत ही चिंतित करने वाला और विचलित करने वाला विषय है जी। अगर हम इस पूरे विषय की जांच पे जाते हैं तो इस बात को झुठलाना गलत होगा कि वहां पर महिलाएं जो थी, 100 से ऊपर महिलाएं थी, वो चिल्ला रही थी। ये भी सत्य है कि वो महिलाएं इधर से उधर छिप रही थी और मदद मांग रही थी। ये भी सत्य है कि वहां के ढाबे के लोगों ने बयान भी दिए कि वाकई ही यहाँ पे उपद्रवी लोगों को छेड़ रहे थे और उनको तंग किया जा रहा था। नहीं रंजीता जी, मैं मुरथल वाले विषय पर आऊंगा बाद में, मैं पहले बात कर रहा हूँ पूरे उपद्रव के दौरान जो मांग हो रही है, न्यायिक जांच आयोग गठित होना चाहिए, क्या आपकी पार्टी की क्या लाइन इस पर है, मेरा सवाल ये है। मुरथल पर आऊंगा, मेरा दूसरा सवाल मुरथल ही है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बिल्कुल रोहित जी, ये चीज जो है अगर सिटिंग जज से, न्यायालय से ही जांच होगी तो ही लोगों को जस्टिस मिल पाएगा। बिकॉज जो यहाँ की लोकल पुलिस है या यहाँ की सरकार है, इससे लोगों का, हरियाणा वासियों का पूरा भरोसा उड़ चुका है। ठीक है, रविंद्र ढुल साहब आपकी प्रतिक्रिया में रही है। ठीक है रंजीता जी, आपके पास आते हैं। ढुल साहब, मांग है कि कराई जाए जी। जी रोहित, क्या कहना है आपका, आपकी पार्टी का न्यायिक आयोग के गठन को लेकर? बिल्कुल जायज है इसका कारण। जी जी बिल्कुल जायज है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा है, दुष्यंत जी ने भी बार बार कहा है, हमने भी, मैंने भी आपके माध्यम से डिमांड बार बार उठाई है। इसका एक ही कारण है रोहित, आप इस बात को समझिए कि यह अविश्वास का दौर है। न तो विपक्षी सरकार के ऊपर विश्वास कर रहा है, न सरकार विपक्षी को विश्वास करेगी, न लोग सरकार के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है, न विपक्ष के ऊपर, न ही कोई पुलिस के ऊपर विश्वास कर रहा है। एक ही जगह जहां पर हमारे भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता जिसके ऊपर विश्वास करती है, वह हमारी न्यायिक प्रणाली है। और मैं वकील होने के नाते भी मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल और केवल मात्र इस समय पर न्यायिक जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। और उसके अलावा पूरी जनता को इस बात का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश भी मिलेगा कि हाँ सरकार किसी भी रूप से, राजनेता हमारे ईमानदारी उन्होंने बरतने का प्रयास, न्यायिक जांच आयोग गठित हो इस पूरे उपद्रव की जांच करे, इन पूरी स्थितियों परिस्थितियों की जांच करे। यशपाल मलिक साहब जी, आपका क्या कहना है न्यायिक आयोग की जांच पर? मैंने तो मांग भी की थी, पहले भी ये कहा था कि जो हरियाणा सरकार के अधिकारी मंत्री जिस तरह से सब्जी मंडी की तरह रोज नए नए बयान आ रहे हैं, इस न्यायिक जांच में तीन मुद्दे शामिल होने चाहिए। एक तो हरियाणा की जो वर्तमान सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है उसकी ये उपद्रव कराने में क्या भूमिका रही, उसके नेताओं की क्या भूमिका रही, उन पे वे विपक्ष वालों पे तो वो आरोप लगा रहे, उनके खुद के नेता अगर आप पिछले दो महीने के एक साल के बयान उठा के देखेंगे तो गैर जिम्मेदाराना बयान। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई सरकार नाम की चीज है या मुख्यमंत्री नाम का कोई व्यक्ति वहाँ बैठा है, उसकी खिलाफत करने में जो भी निर्णय लेते हैं, न्यायिक जांच से सामने आए, गिरफ्तारियां तुरंत बंद हो और जो लोग जेल में उनको बाहर निकाला जाए। वहां पर निजी दुश्मनी निकाली जा रही है, जहां कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, जहां कुछ हुआ नहीं, वहां पर भी रात को घरों पर रेड डाली जा रही है। दोबारा हरियाणा में आग सुलगाने की कोशिश उन्हीं अधिकारियों के द्वारा की जा रही, जिन अधिकारियों ने पहले दंगा भड़कवा और जिन अधिकारियों ने अत्याचार किया, हॉस्टल में घुसकर लड़कों को पीटा और झूठ गोली चलाई। अगर आमने सामने कोई होता तो कि भाई किसी के भी चोट ना लगती, ऐसा कैसे संभव था? ये कहने की बात है कि अधिकारियों का रचा हुआ षड्यंत्र और उसमें भाजपा के भी कुछ नेता शामिल थे, मुख्यमंत्री को डिसएस्टेब्लिश करने के लिए पूरी सत्ता को इस तरह से तहस नहस कर दिया कि हरियाणा में आज भी सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री जी सुबह शाम को कोई बयान देते हैं, विद साहब का दूसरा बयान आ जा, रामविलास सरसमा का तीसरा आ जा,
चौथा सैनी जी का आ जा भाई, ये पार्टी चल रही है, ये पार्टी है, राजनीति कर रहे हो या यहाँ दौड़ लगी है घोड़ों की कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल आपने उठाया। लेकिन यहाँ पर राजीव जेटली जी अब आपके पास आएंगे। जेटली साहब, न्यायिक आयोग की जांच, आयोग इसका गठन हो, वो इस पूरे मसले की जांच करे, ये विज साहब कर बात कर रहे हैं। विज साहब सरकार में मंत्री हैं, सरकार आपकी है, किसने साहब रोका आपको कि न्यायिक आयोग आप ना बनाए? देखिए क्या रुकावट है फिर बताएं। रोहित जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं भी कांग्रेस को, और विज साहब वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है, हरियाणा को भी समझते हैं और तमाम तकनीकी बातों को भी जानते हैं, उन्होंने ये बात कही। देखिए कांग्रेस की जिस तरीके से अभी प्रवक्ता ने बात रखी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, अगर न्याय प्रणाली के ऊपर इतना ही विश्वास होता तो फिर वो लोग नहीं, एक राजीव जी सीधा जवाब विज साहब ने रखी, क्या विज साहब या तो ये विज साहब गलत बोल रहे हैं या ऐसा बताइए। आप मुद्दे से भटकने की कोशिश मत कीजिए, इस विषय पर राजनीति मत कीजिए आप। ठीक है रंजीता जी, आ रहे हैं आपके एक पास, बात यही बता रहा हूँ जी। जैसा कि विज साहब ने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए जी, ये जांच की मांग कहां से आ रही है? जांच की मांग ज्यादातर विपक्ष से आ रही है। जो एसआईटी गठित की गई है उस एसआईटी पे कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है, हमें भी नहीं है, विज साहब को भी नहीं है लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ आपको, जब ये मांग करी जा रही है कि न्यायिक जांच करवानी चाहिए, अब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो न्यायिक जांच की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि एसआईटी के ऊपर कांग्रेस को विश्वास नहीं है। ठीक है, कांग्रेस को एसआईटी पर विश्वास क्यों नहीं है ये भी बात बता देता हूं, क्योंकि एसआईटी जिस तरीके से बनती आई है, जैसी आपने इशरत जहां केस में भी देखी कि एक आतंकवादी को इन्होंने अपनी बच्ची बता दिया, तो एसआईटी जो मैनिपुलेशन करती आई है। हाँ तो तभी तो बात करिए, एसआईटी का जी जवाब मैं दूंगा भाई, एक सेकंड मैं भी दूंगा इसका जवाब। इनका शक स्वाभाविक है कि कहीं वैसी एसआईटी ना बना दी जाए जैसी एसआईटी हम बनाते हुए आए हैं। अब बात आती है न्यायिक जांच की। न्यायिक जांच क्योंकि हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस इसका लिया है पहले भी, हाईकोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है, एसआईटी गठित की जा चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट के ऊपर जब आने के बाद अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो ये कोई भी व्यक्ति, चाहे मलिक साहब हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे हाईकोर्ट जा सकती है चैलेंज करने के लिए। विज साहब का सवाल है, मैं आपको कह रहा हूं, अगर मेरे राजीव जेटली को भी विश्वास नहीं है तो राजीव जेटली को यह संवैधानिक अधिकार है कि मैं हाईकोर्ट में जाके उसे चैलेंज कर सकता हूं। अरे चैलेंज करने के बाद ही आप बात कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, मलिक जी का एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, रोहित जहां जी, रोहित वो इशरत जहां, इशरत जहां एनकाउंटर में डीजीपी बंजारा जेल में है जी, और कई सीनियर अधिकारी जेल में, मोदी जी भी लपेटे गए और साथ में अमित शाह भी लपेटे गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 30 आदमियों की जिन्होंने हत्या की हरियाणा में, उनमें से कितने अधिकारी, कितने नेता आपके जेल भिजवाओगे? वो एसआईटी बना दीजिए, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मेरा ये कहना, रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट से पहले आप उसी तरह की एसआईटी बना रहे जिस तरह की कांग्रेस ने एसआईटी बनाई थी। आप ईमानदारी की एसआईटी बना रहे, एसआईटी बनाई थी उसकी पोल खुल चुकी है। नहीं, आपकी भी पोल खुल चुकी है। आपके पास, सुन लीजिए मलिक साहब, आपका जो है, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, आपका मैं आपके बीच में बोला, आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर एसआईटी के अंदर कन्विक्ट पाए जाते हैं, चाहे सुन लीजिए ना, जिनको तुमने गिरफ्तार किया है, कन्विक्ट है भाई, आपके पास अगर तथ्य होंगे तो आपके पास संवैधानिक अधिकार है। ओ भाई, आपने गिरफ्तार सुन लीजिए, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। किसने रोका आपको? सवाल सरकार किस लिए है भाई? हमने एसआईटी बनाई है। अगर आपको एसआईटी पर, अगर आपको, सुन लीजिए, अगर आपको एसआईटी के ऊपर विश्वास नहीं है, राजीव जी, राजीव जी रुकिए, रुकिए, आपके पास आते हैं राजीव जी, जाकर चैलेंज कर सकते हैं इस बात को। संवैधानिक अधिकार आम आदमी के लिए तो तुम जेल में ठूसते जा रहे हो। किसी अधिकारी को तुमने गिरफ्तार किया? बात भी आप किसी आदमी का नहीं, ये भी कानून निर्धारित कर रहे हो। मलिक साहब, मलिक साहब, जेटली साहब, जेटली साहब, मेरे एक छोटे से सवाल का सीधा सा जवाब, जेटली साहब सीधा सा जवाब, विपक्ष बात कर रहा है कि न्यायिक जांच हो, न्यायिक आयोग गठित हो, अनिल विज साहब कह रहे हैं न्यायिक आयोग गठित हो, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि होना चाहिए गठित या नहीं होना चाहिए? आप पार्टी के सह मीडिया प्रभारी हैं, प्रदेश के जिम्मेदार ओहदे पर हैं, तो आपकी पार्टी लाइन क्या है, होना चाहिए गठित या नहीं होना चाहिए? एक लाइन तो होगी जेटली साहब। बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं, पार्टी वहां है। मैं आपको, अब सुन लीजिए मलिक साहब जी, मैं यही बता रहा हूं कि अगर एसआईटी के ऊपर किसी को भी, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे मलिक साहब, चाहे कोई जाट नेता हो, किसी को विश्वास ही नहीं है। सुन लीजिए एक मिनट,
विश्वास और अविश्वास, पूरा विपक्ष कह रहा है रोहित जी, रोहित जी विश्वास और अविश्वास कब आता है? रिपोर्ट आने के बाद आता है। रिपोर्ट आने से पहले आपने कैसे विश्वास और अविश्वास जता दिया? मैं आपको यही बता रहा हूँ, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये जेटली साहब नहीं है, जेटली साहब तो चाहे 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 वित्त साहब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मलिक साहब हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी जाकर ये आपकी पार्टी का, ये आपकी पार्टी की आधिकारिक लाइन है, ये माना जाए। बिल्कुल, जब एसआईटी गवर्नमेंट ने फोन करी है, फिर वित्त साहब को ये बात क्यों नहीं समझा पाया? आपको बोला अगर किसी को ये, मैंने आपको बोला एक हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमारे मंत्री पद से हमारी ब्यूरोक्रेसी से ऊपर उठकर चलता है। अगर मुझे किसी के ऊपर चैलेंज करना है और मुझे उसका आधार और उसका शक के दायरे में आता है तो मैं हाईकोर्ट जा सकता हूँ। आज मेरी बात सुनिए, या तो मीडिया ट्रायल हो सकता है नहीं, या नहीं, लीगल ट्रायल हो सकता जी, है लीगल ट्रायल ये कहता है कि आपको अगर किसी चीज के ऊपर डाउट है तो आपके पास दूसरा मार्ग जो है वो न्यायालय है। अगर आपको लगता है कोई चीज करनी है, जेटली साहब चलिए आपने बोल दिया। अब मेरा एक सवाल, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। जेटली साहब मैंने ये कहा कि अनिल विज साहब कहा जाए, मैंने कहा कि वो ऐसा नहीं, बहुत तकनीकी बातों को समझते हैं, जानते हैं, एक लंबा अनुभव है उनका भी सियासत का। मैं कह रहा हूं आप ये बात जो आप बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बता रहे, तो आप अनिल विज साहब को बता दीजिए, वो अगर या इसका मतलब वो भी कन्विंस नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि साहब जांच होनी चाहिए, न्यायिक आयोग इसकी जांच करे पूरे मसले की। देखिए मैं आपको एक बताता हूं कि एसआईटी, मैं अब विज साहब की बात ही कह रहा हूं, जब विज साहब ने इस बात को रखा है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो कहां पर ऐसा हमने प्रावधान रखा जिसमें जांच न्यायिक नहीं हो रही है? विच साहब यही कह रहे हैं होनी चाहिए जो हो रही है। न्यायिक का मतलब जुडिशियल, जुडिशियल, जुडिशियल सर। सुन तो लीजिए रोहित जी, एसआईटी एक लीगल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक अनएथिकल और इलीगल बॉडी नहीं है। विच साहब ने यही कहा। चलिए हमारे साथ वर्धन साहब भी बैठे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वरिष्ठ वकील है, उनसे हम बात करें। वर्धन साहब जो हम बात करें, न्याय जेटली साहब हालांकि पूरी बात को घुमा रहे हैं, लेकिन ये कि जुडिशियल जो न्यायिक जांच की बात है वो अलग चीज है और एसआईटी अलग चीज है, क्या कोई बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा तकनीकी दिक्कतें हैं न्यायिक आयोग गठित करने में? क्या कहते हैं आप, कानूनन क्या लगता है आपको, आपका पक्ष यह जानना चाहूंगा। देखिए जो आज हरियाणा जो है एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इस हालात में हाईकोर्ट में 4-5 रिट पिटीशन डली है, जहां सरकारी मशीनरी काम करने में नाकामयाब रही और लोगों को आखिरकार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और ऐसी स्थिति हरियाणा में पैदा हुई कि जिससे मूर्थल जैसा धब्बा दाग हरियाणा पे लगा है, जिसके बारे में हरियाणा के करोड़ों लोग चिंतित हैं, पूरे देश के लोग चिंतित हैं, हरियाणा इससे बड़ा प्रभावित तो है। न्यायिक आयोग गठन करने में कोई दिक्कत है क्या? क्या तकनीकी तौर पे कोई जनता, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं, कि एक तो पब्लिक का ओपिनियन भी चाहता है, पब्लिक ओपिनियन भी इस मुद्दे पे सहमत है कि न्यायिक आयोग बनना चाहिए, और ऐसी कोई अड़चन नहीं है, सरकार ऐसे मुद्दों पर बिना किसी देरी के न्याय आयोग बनाना चाहिए, हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं है। ऐसे आयोग बनाने पहले भी सरकार ने बनाए हैं। मैंने भी यही बताया कि जो एसआईटी बनाई गई है वो भी हमारी न्यायिक व्यवस्था से ही निकल कर आती है। अगर ऐसा एक सेकंड, अगर आप एसआईटी की रिपोर्ट, जुडिशियल न्यायिक व्यवस्था एक अलग चीज है, नहीं आप एसआईटी एक अलग चीज है, उसको आप न्यायिक आयोग से न्यायिक जांच से आप उसको प्रोड्यूस करने या एविडेंस देने हैं, वो ज्यूडिशियल सिस्टम में ही जाकर कर रहे हैं। चलिए मलिक साहब क्या आप सहमत हैं, क्या सहमत हैं जेटली जी की बात से? सिटिंग जज हाई कोर्ट के जज से अधिकारियों को लेकर आए न्यायिक जांच कराने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तहत लेकर आए हमारा काम करोगे। जैसे अभी भाजपा ही मुद्दा उठा रही यूपी के दंगों की रिपोर्ट पे कि विष्णु साई आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है, मैं इनकी पहली मंशा बता देता हूं। जो एसआईटी की टीम इन्होंने बनाई, मैं पहले दिन से कह रहा कि वो संदिग्ध टीम है, उन अधिकारियों को वे दूसरे प्रदेश से अधिकारी बुलाए गए, जो इनके साथ रहने वाले अधिकारी हैं, जिनकी इनकी सेटिंग गेटिंग है, उन अधिकारियों को टीम में डाल के ये इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। इसलिए जेटली साहब ये इनका पक्ष, मेरी बात, और हाई कोर्ट के जज पर भी हम सहमत नहीं, हमने ज्ञापन देना है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो और सुप्रीम कोर्ट का जज भी कोई दलित हो या कोई दूसरा हो, जो इसकी बात को, या कोई ओबीसी हो जो इस बात को निकाल के रख सके, और दायरा भी देखिए, जांच के दायरे फिट होते हैं। अब इन्होंने एसआईटी को क्या क्या दायरा दिया,
क्या कोई एसआईटी का आदमी विज साहब से जाके पूछ लगा, मुख्यमंत्री से जाके पूछ लगा तुम्हारी क्या गलती, सुप्रीम कोर्ट का जज जाके पूछ सकता है कि तुमने इसमें क्या निर्णय लिया था? हम सबूत रखेंगे, हम सबूत आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डुल साहब, डुल साहब, अब सबसे आखिर में जनरल साहब आपके पास आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी इन्होंने जी। देखिए, जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे मलिक साहब, कोई आपत्ति नहीं थी, जाट समाज को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात इन्होंने ये कह दी कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए और उसकी जात भी निर्धारित कर दी। विश्वास नहीं है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता देख रही है, हम कह रहे हैं इस तरीके की बातें रखी जा रही है। जैसे जाट समाज को गुमराह किया गया, अब दूसरे समाजों को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सहमत नहीं हूं आपकी बात से। मुझे लगता है आपको प्रदेश की जनता, जो एक बिरादरी से नहीं आती है, इस देश की जनता से कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, लेते लेते जवाब। ये माफी मांगनी चाहिए आपको, ये दोहरे मापदंड, सुप्रीम कोर्ट को भी जातों पे निर्धारित कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है मलिक साहब, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरी बात का जवाब, अरे जवाब तो सुन लो जी। आप ही की सरकार यूपी में, आप विपक्ष में बैठे, आप विष्णु साय की जज की रिपोर्ट को नकार रहे हो। वहां तो कह रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप कह सकते हैं मेरा, मेरी सुन लो भाई, अरे सुन तो लो, अरे अरे मेरी सुन लो। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिटिंग गेटिंग के जज के आज तुम ये जांच कर दो, इसके बाद तुम्हें आयोग का अध्यक्ष बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा, जो दलित या ओबीसी कोटे का जज होगा, वो किसी लालच पालच में बेचारा नहीं आएगा, वो न्याय करेगा, क्योंकि ये ओबीसी और दलितों का मुद्दा। ठीक है, डुल साहब के पास सुनूंगा, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। एक प्रतिक्रिया डुल साहब की, रविंद्र डुल साहब, उत्तर प्रदेश में तुम्हारे रोज विधायक कह रहे हैं, अगर तुम लोगों तुम ना कहते। मलिक साहब, अगर डुल साहब के पास चलते, बाकी मेहमानों से एक छोटा छोटा सवाल, ब्रेक के लिए भी जाना है। डुल साहब अपनी बात रखें जी। मैं आपको बता रहा था कि राजीव जेटली जी ने कहा, यदि इनको विश्वास नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईटी के एक मेंबर है बीके सिन्हा जी, जिनको इन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने का काम दिया है। यदि राजीव जेटली जी परिचित होंगे, चौधरी भजनलाल जी का कार्यकाल था 1991 से 1996 के बीच में, किस प्रकार के फेक एनकाउंटर के संदिग्ध आरोप उनके ऊपर लगे थे, क्या ये क्या भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी इस प्रकार के ऑफिसर को यहाँ पर इन्होंने एसआईटी में शामिल कर दिया। मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी पत्र लिखा है, मैंने स्वयं पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी जी को, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया हरियाणा सरकार की तरफ से कि बीके सिन्हा जी को तुरंत एसआईटी में से हटाया जाए। किस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं किस प्रकार विश्वास कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे जिले के अंदर वह एनकाउंटर हुआ था। अगर ये आधार बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट बताता हूँ। मेरे जिले में आपकी सरकार चुनौती दे सकते हैं। बता रहा हूँ, मैंने खुद पिटीशन डाली है राजीव जी, और सोमवार को आ रही है इसमें सरकार सुनवाई के लिए, मैंने खुद पिटीशन डाली है। हाँ बिल्कुल, हर बात कोर्ट में नहीं जाएगी, आप भटकाने की जरूरत, आप भटकाने की आवश्यकता, आपको भटकाने की आवश्यकता नहीं है। ले जा सकते हैं, सारा हरियाणा आपको देख रहा है राजीव जी। कह रहे हैं सरकार ने ये कार्य करना है तो सरकार, मुझे आपत्ति है, मैं जा चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव जी
न्यायालय आपको बना दिया ना वहाँ जी, तो मैं जा चुका हूँ सरकार, पहले जा चुका हूँ मैं, आपके आपके सरकार बारे में दो तरह की भाषा नहीं बोल सकते, बड़े उच्च स्तर का बात बता रहे हैं, आपको आपत्ति है या नहीं है? आपत्ति चलिए या नहीं आई यहाँ पर, मैं आप सब लोगों को रोकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुकना है, ढुल साहब आपको भी रोक रहा हूँ माफी के साथ, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि न्यायिक आयोग इस पूरे मसले की जांच करे, विपक्ष ये मांग कर रहा है, सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री ये मांग कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यहाँ बैठे हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर सरकार क्यों बच रही है जांच, न्यायिक जांच आयोग गठित करने से, इसका जवाब अभी भी नहीं मिला। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, ये बड़ी बहस जारी है इन्हीं बुनियादी सवालों के साथ। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम दो अहम सवालों पर चर्चा कर रहे हैं कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो उपद्रव हुआ या जो पूरी स्थितियां परिस्थितियां बनी उसकी जांच एक न्यायिक आयोग करे, विपक्ष ये मांग कर रहा है, सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये उठ रहा है तो आखिरकार रोक कौन रहा है न्यायिक आयोग से जांच करवाने के लिए, जब विज साहब भी कह रहे हैं, पूरा विपक्ष भी कह रहा है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं बड़ी बहस में, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। राजीव जी, फिर मैं अगले सवाल पर बढ़ूंगा, एक छोटा सा सवाल और बिल्कुल संक्षेप जवाब चाहूंगा, इस पर घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सीधा सा जवाब कि साहब ये पूरा यहाँ पर पैनल हमारे साथ बैठा है, हर तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, जाट आरक्षण अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि न्यायिक आयोग गठित हो जो उसकी जांच करे, तो करेंगे गठित नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो विज साहब को भी समझा दीजिए कि साहब ये स्थिति है, ये SIT है, यहाँ कोर्ट जा सकते हैं आप, अगर आप सहमत नहीं है तो, अगर जिस तरह से क्योंकि आपने कहा तो उस हिसाब से तो विज साहब को भी कल हाईकोर्ट चले जाना चाहिए कि साहब नहीं, SIT पर भरोसा नहीं है, न्यायिक आयोग गठित करें। देखिए, मैं अगर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं उन्होंने रखी हैं, पर सिर्फ केवल उन्होंने नहीं, जो जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी अपनी मांगे रखी है। अगर ये विपक्ष इन बातों के आधार पर चलना चाहता है तो शायद उनकी सारी मांगे माननी पड़ेंगी, और अगर उनकी मांगे मान ली गई, आप विज साहब की मांग नहीं मानोगे, मेरा कहने का मतलब है उनका अधिकार है, सभी का अधिकार अपनी बात रखने का। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, तो क्या उनसे सहमत होंगे? अगर एक लीगल फ्रेम बनाकर एक जांच चल रही है, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अमिस्ट इन्वेस्टिगेशन, आप ये बात रखते हैं कि हम इससे प्रभावित नहीं है, अगर आप उसकी रिपोर्ट से प्रभावित ना हो तो आप ये जरूर मांग रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए, CBI से इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। वही तो बोल रहे हैं, अगर ना हो तो, मैं आपसे यही कह रहा हूं, जेटली साहब बदल जाएंगे। चलिए अब एक एक करके जेटली साहब रुकिए, बोल साहब अपनी बात पूरी करिए, एक एक करके सब लोग जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दें। राजीव जेटली साहब ने अपना पक्ष रखा, ढुल साहब मुझे बताइए जी, ढुल साहब बताए क्या आप जेटली जी की बात से सहमत है, संक्षेप में जवाब दीजिए, सब लोगों से जवाब लेना है। जी मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ कि SIT के बाद में जब गवाह और मुख्य एविडेंस है, यदि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी क्या? इनको समस्या क्या है निष्पक्ष न्यायिक आयोग से? इनको समस्या यही है कि इनको पता है इनके रोल यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसलिए ये नहीं चाहते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक आयोग न्यायपालिका निष्पक्ष है और ये निष्पक्षता बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इनके इनके नेता हैं, इनके मंत्री हैं अनिल विज जी, वो बेहद ईमानदार हैं, उनकी निष्पक्षता पर मैं इस समय पर कोई संदेह नहीं करूंगा, उन्होंने बिल्कुल जायज डिमांड उठाई है। इनको समस्या क्या है लोकतंत्र के अंदर, यदि विपक्ष की किसी बात को मान ले तो लिंक है। अगर देखिए SIT के ऊपर इनको क्वेश्चन मार्क है, ये SIT इशरत जहां जैसी नहीं होगी और ये SIT मेहम जैसी भी नहीं, मेरे को है क्वेश्चन मार्क, मैंने आपकी सरकार को लिखा है पत्र, आप जवाब तो दीजिए, ना ये है समस्या। चलिए, यानी अनिल विज साहब, मैं जा चुका हूँ राजीव, सुनवाइए, मैं जा चुका हूँ, बार बार न्यायालय की बात मत कीजिए, मैं वकील हूँ, मैं जा चुका हूँ, इसकी मुझे न्यायालय की सलामत दीजिए, मैं वकील हूँ। आप राजनीतिक तौर पर बताइए, जिस जवाब बदले गए उसकी जिम्मेदारी लेगी,
जेटली साहब जो झूठे केस आपकी पार्टी बना रही है उस झूठे केस की जिम्मेदारी आपकी पार्टी लेगी या नहीं लेगी, आप ये बताइए। जनता आपसे जवाब मांग रही है। ठीक है दुल साहब, रंजीता जी आपकी प्रतिक्रिया छोटी सी। मानने से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए रोहित, दूध की रखवाली बिल्ले बिठाने से जांच नहीं होती। बार बार जेटली साहब से जवाब पूछा जा रहा है, वो घुमा के फिर वही बात को रिपीट करके लोगों का समय वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप न्यायिक जांच चाहते हैं और निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो आपको उसको गठित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उससे दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। पर इनको पता है कि अपने लोग ही इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इसलिए इस चीज से बच रहे हैं। बातों को फिर बात उनको तो लाइए, उनको तो चिट्ठियां भेज रहे हैं के खिलाफ। आपको कौन रोक रहा है? आपको रोको जेटली साहब, आप न्यायिक जांच कीजिए। तो खुद कह रहे हैं अगर हमारे लोग दोषी थे पहले न्यायालय का सम्मान कीजिए, उसके बाद न्यायिक बात कीजिएगा। आपको कोर्ट ने बोला है सरेंडर करने के लिए, आप सरेंडर क्यों नहीं करते हैं? इतना ही न्यायालय का सम्मान करते हैं ठीक है राजीव जी। रंजीता जी आपको आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं करिए, कांग्रेस पार्टी आपका साथ दे रही है उस चीज में। देखिए जहां तक जैन साहब की बात है कोर्ट में जाने की, ऑलरेडी ही ये विषय जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में काफी सारी रिट पिटीशन डली हुई है और ये ऑलरेडी शक के घेरे में है। लोगों को इस पे विश्वास नहीं है। दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसको एसआईटी पे विश्वास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिना किसी देरी के सरकार को न्यायिक जांच कराने के आदेश देने चाहिए और किसी सिटिंग हाई कोर्ट से जांच कराने में किसी तरह की देरी घातक हो सकती है, एविडेंस के साथ छेड़खानी हो सकती है, कुछ महत्वपूर्ण सबूत गायब किए जा सकते हैं। अदरवाइज आयोग गठित हरियाणा सरकार के मेंबर पार्लियामेंट भी इसमें जांच के घेरे में है। काफी सारे जो एमएलए हैं, सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, उसकी जांच के घेरे में है और सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी इसकी सही ढंग से जांच नहीं कर सकेंगे। यही शक है सभी लोगों को, पब्लिक को और पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसी स्थिति में ठीक है वर्धन साहब, मलिक साहब अपनी बात पूरी करें, उसके बाद अगले सवाल रहे हरियाणा फिर से जनता का विश्वास पैदा हो राजीव जी को कि ये कम से कम मोदी जी की एक दो बात तो मान ले। वो इनके नेता है, वे कहते हैं अगर विपक्ष किसी अच्छी बात को कहे तो हमें काम करना चाहिए। अगर विपक्ष पूरा कह रहा है और हम भी कह रहे जो पीड़ित हैं और मंत्री भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं और मंत्री भी कह रहे हैं इनके कि भाई कोई न्यायिक जांच मान लो, ये फिर भी जिद पड़ रहे, जिसका मतलब ये लीपा पोती इसरत जहां की तरह करेंगे, ये बाकी कांड की तरह लीपा पोती करेंगे। और जो अभी इन लोगों के प्रवक्ता ने कहा कि वो आदमी ही गलत है जिसको एसआईटी में डाला गया, वो अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ कहेगा ये करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही भाई कांग्रेस के आदमी भगोड़े हैं, भगोड़े बनाए किसने? इनमें कई हजार आदमियों के खिलाफ तुमने फर्जी एफआईआर कर रखी, कोर्ट तो उनको कहेगा ले आओ। अब जब तुम फर्जी एफआईआर करोगे तो न्यायालय में मेरा आपको सरेंडर करना पड़ेगा। मेरी बात तो सुन लो आदमी, आप जब कबूल कर चुके हैं इस बात को, बात तो, आप कबूल कर चुके मलिक साहब, आप मेरी बात तो सुन लो, वो तो चला जाएगा। मैं तो आपको आज के ताजा हालात बता रहा हूँ कि आपकी पुलिस रोजाना झूठे गवाह पैदा करके, और उन लोगों ने एफिडेविट दिए, मैं लाडवे का केस बता रहा, आपके एसएचओ ने झूठे एफिडेविट करवाए कि भाई तुम मुकदमे, वो आदमी थाने में गया अकिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, इन्होंने रास्ते रोके थे, नाम मैं बता रहा तुझे। और सुनो आप मेरी सुन लीजिए यार, मेरी सुन लीजिए, और उस आदमी के पास जब जाट समाज के लोग गए, अरे यार पहले सुन लो आप, मेरी सुन लीजिए, जब जाट समाज के लोग उस आदमी के पास गए भाई तुमने हमें देखा रास्ते रोकते हुए, बोला जी मैं एफिडेविट देता हूँ, आपके एसएचओ ने कहा था मुझे, तो इसलिए करवा दिया। दो आदमी देख, डेढ़ सौ आदमी, इस स्थिति से तरह का धंधा तुम कर रहे हो, इस धंधे को बंद करो। बहुत अच्छी बात करी मलिक साहब, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्रदेश में कि किन किन लोगों के खिलाफ इनके हिसाब से झूठे मुकदमे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर इतना आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो शायद उनको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनको तोड़ फोड़ करते हुए देखा गया, आगजनी करते हुए देखा गया, आग लगाते हुए देखा गया, पूरे प्रशासन शासन में करते हुए देखा गया, तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इसका मतलब बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे, हर चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। और जो आइडेंटिफाई हो रहा, जो तुम्हारी सरकार की नाकामियां सामने आ रही, हमें तो आज तक एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, ना टर्मिनेट हुआ, ना डीजी बंजारा की तरह जेल गया।
मैं तो ये चाहता हूँ हरियाणा के हरियाणा के 50 से 100 अधिकारी सस्पेंड हुए जेल जाने लायक है। 100 अधिकारी जिन्होंने दंगा फैलाया जाने चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो भी उपद्रवी होगा, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति को हो, सभी जेल की सजा। मैं चाहता हूँ रोहित जी, न्यायिक जांच इसलिए जरूरी, हाई कोर्ट के जज से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज से हो, हम तथ्य देंगे उनको, वे मुख्यमंत्री से भी पूछताछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की आप बहुत आज भी तथ्य दे सकते हैं। मैंने तो दे दिया, आपके एडी जी को तथ्य दिया, मैं आपको बता रहा हूं, आज टीवी चैनल पर मैंने तो आपको 16 तारीख को आप सारे तथ्य दीजिए, मैंने 16 तारीख को कार्रवाई नहीं होती, यही चैनल पर हम बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि तथ्य लेने के लिए तुम्हारे मुख्यमंत्री का क्या इन्वॉल्व, तुम्हारे मंत्री, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपको अगले सवाल सब मेहमानों के ऊपर फिर से हमारे साथ लगातार बने हुए। अगला सवाल हमारा यह है कि मुरथल का कथित शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, मुरथल कथित रेप कांड, क्योंकि यह ऐसी स्थिति कि जब हम अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी यह बात बोलता हूं, तो लोग यह बात जरूर पूछते हैं कि क्या मुरथल में कुछ ऐसा हुआ था। तो इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि मुरथल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमारे पास है जी, मलिक साहब आपके पास होगा। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारे प्रदेश को बदनाम करने की कोई साजिश थी, किस तरह की अफवाह फैलाई गई, और अगर ये रची गई ये साजिश, ये अफवाह अगर फैलाई गई किसी के द्वारा भी, तो ये भी गलत है। और दूसरा बड़ा सवाल, अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो बिल्कुल उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो लोग आइडेंटिफाई हो, ये भी जानना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से मैं अपने तमाम मेहमानों के पास जाऊंगा कि मुरथल का सच, आप देखिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 24 फरवरी की बात, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया, न्यायाधीश एनके सांघी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, कोर्ट ने पीड़ितों को सीधे शिकायत भेजने के लिए बात भी कही थी, और 25 फरवरी को मुरथल में ढाबे के आसपास महिलाओं के कपड़े भी मिले थे, सोनीपत के एसपी ने कहा कपड़े मिलने से रेप की पुष्टि नहीं हुई, 26 फरवरी को सीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया, डीआईजी राजश्री की अगुवाई में 3 महिला अधिकारियों की कमेटी बनाई गई, 27 फरवरी को जांच कमेटी के सदस्य मुरथल पहुंचे, 27 फरवरी को ही 2 ट्रक ड्राइवरों ने मुरथल में रेप का चश्मदीद होने की बात कही, उसके बाद एक महिला सामने आई, लेकिन एक एक करके गवाह भी मुकरते गए और जांच कमेटी के सामने कोई सीधे तौर पर नहीं आया। अगर उसके बाद बात करें तो तमाम नेताओं के अपने अपने बयान आए, रामविलास शर्मा जी का आज बयान आया, तो इन तमाम बयानबाजी और इन तमाम लोग जो लोग सामने हैं उससे, इस सब के बीच जो बड़ा सवाल ये जो हमने उठाया, बड़ा मौलिक सवाल, कि क्या हमारे प्रदेश को बदनाम करने की साजिश थी या सचमुच ऐसा हुआ, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं, हम इस सवाल का जवाब इसका, मलिक साहब चलिए आप ही सबसे पहले बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुरथल कांड में तो मीडिया भी इतना इन्वॉल्व था जी, जो झूठी खबर मिलती चली गई उसको गाता चला गया जी। जिस दिन मुरथल में कांड हुआ जी, जिस बता रहे जिसको मीडिया ने चलाया कि ये मुरथल में कांड हुआ, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा जिस आदमी ने रेप में इन्वॉल्व है, देश कानून बनाए, उसको 30 दिन के अंदर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो मीडिया ट्रायल करता है और कास्ट के नाम पर ट्रायल करता है, आंदोलन के नाम पर, उस दिन आपने कितना दिखाया था, उसी दिन दिल्ली में एक रेप हुआ था, उसी दिन गुड़गांव में एक रेप हुआ था, क्या वो महिलाएं नहीं थी, क्या वो बहनें नहीं थी? मीडिया ने ट्रायल किया, मीडिया को पैकेज मिला और मीडिया ने उस पैकेज के तहत पूरे आंदोलन को बदल कर मुरथल कांड पर जाट कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए साजिश रच दी। ये चैनल भी ज्यादातर चैनल किसी न किसी राजनीतिक आदमियों के समूह के हैं जी, वो वहां से गाइडलाइंस आती है यार, चला दो इसको जी। मैं मीडिया की जिम्मेदारी भी मुरथल कांड पे फिक्स होनी चाहिए, जिसने इसको गलत लिखा, अगर मीडिया ने गलत लिखा तो मीडिया इसमें दोषी होना चाहिए, पूरे देश को 5 दिन तक गुमराह किया। अगर किसी, ठीक है मलिक साहब आपकी बात पूरी होगी, मैंने इसलिए आपको रोका नहीं, बीच में श्वेता संगान लिया और जो अगर ये कांड हुआ और उसमें दोषी थे तो वे अब तक पकड़े क्यों नहीं गए भाई जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कुछ मुद्दों पर मीडिया करता है और उसका ट्रायल कर देता है, और जिस ट्रायल को मीडिया करने के बाद और उसमें से हवा फूंक निकलती है, उस पे मीडिया को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से मीडिया को, ठीक है मलिक साहब आपकी बात पूरी हो गई, हमें गलत फीडबैक मिली और उनके जो वहां के पत्रकार हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, केस में विपक्ष में केस दर्ज हो, ठीक है मलिक साहब आपने अपनी बात पूरी की, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी विश्वसनीयता के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की अगर मीडिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग
हम अपने आप पर भी सवाल उठाते हैं। आज अगर मुरथल मामले को हम सामने इस बहस में लेकर आए तो इसलिए कि ठीक है, हम इतना साहस है कि हाँ साहब क्या हुआ, हमने क्या दिखाया। और दूसरी बात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा ने, हम जिस दिन से यह खबर आई तब से लेकर आज तक कथित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने ये कहा कि वहां पर कपड़े मिले, हमने ये नहीं कहा वहां पर रेप हुआ, हमने ये कहा इस बात की जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपने ये इस तरह की बात सामने आई है, बिल्कुल जांच हो। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन अगर हम ये सोच लें, मलिक साहब ये सोच लें कि हम आपके चश्मे से सब चीजें देखें, तो ऐसा नहीं होगा। हम किसी के चश्मे से नहीं देख सकते, माफ कीजिएगा। आपने जो दूसरी घटनाएं घटी उनको भी समय मिलना चाहिए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। ढुल साहब आपका क्या कहना है मुरथल का कथित रेप का? रोहित जी, जहां तक मुरथल जी, जी रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं शुरुआत से मैं इसको मेंटेन करता आया हूं। मैं इस मामले के अंदर न केवल कोर्ट के अंदर खड़ा हो रहा हूं, बल्कि मैं पूरी रिपोर्ट, समूची रिपोर्ट जितनी भी आई है इसके अंदर सबको मैंने स्टडी की है, शुरुआत से लेकर के अब तक। अगर यदि आप 24 से लेकर के अब तक के सभी इवेंट को देखेंगे तो किसी भी जगह पर कहीं भी इस प्रकार का कोई भी विक्टिम सामने नहीं आई है। और जिस विक्टिम ने क्लेम नहीं किया, आप बताइए कि जहां पर कोई क्लेम करने वाला नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, एक स्टोरी एकदम से बना दी जाती है। आपने कहा था कथित रेप केस, मैं आपको एक और शब्द में बीच में लगाना चाहूंगा, कथित रेप केस की खबर, यह केवल एक खबर मात्र है, उस खबर के अलावा कुछ भी नहीं है। और उस खबर के जो जिन्होंने इस खबर को जन्म दिया है, जो पत्रकार जिन्होंने इसको जन्म दिया है, ये माननीय हाईकोर्ट के अंदर जो एफिडेविट फाइल हुआ है, उस एफिडेविट के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह उस पत्रकार ने किसी भी विक्टिम से बात नहीं की। आप मुझे बताइए कि किस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत किसी अखबार की तरफ से हो सकती है कि आपके पास में किसी विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं है, किसी विक्टिम से आपकी बात नहीं हुई है। आपने अफवाहें तो हजारों फैल रही थी रोहित जी, हरियाणा के अंदर अफवाहों की कोई कमी थोड़ी ना थी, अफवाहें थी तभी तो दंगे फैले। अफवाहों को मान करके आपने इतनी बड़ी स्टोरी बना दी, और उस स्टोरी को जिस प्रकार से सुबह द ट्रिब्यून में 24 तारीख को यह स्टोरी आई थी, उसमें किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं था। लेकिन शाम होते होते मेरे पास में सभी एविडेंस है, कई मीडिया चैनलों ने, कई मीडिया समूह ने उसको जो है एक जाति विशेष के साथ में लगा दिया। किसी के पास कोई विक्टिम नहीं है, किसी के पास में कोई क्लेम नहीं है, किसी के पास में कोई आई विटनेस नहीं है, बावजूद उसके एक जाति को लगातार बदनाम किया जा रहा है। मैं जाति से ऊपर उठता हूं, मैं कह रहा हूं हमारे हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है बार बार। इसको रोक क्यों नहीं सकते इस बदनामी को? जब मामला माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में है तो मीडिया ट्रायल करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। कल को सच सामने आ जाएगा। यदि सच हमारे हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ तो सारा हरियाणा 3 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं। ठीक है दिल साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही। की घटना नहीं हुई है तो हरियाणा उस बदनामी का क्या होगा? ठीक है, रंजीता मेहता जी आप बताइए। रोहित जी, जहां तक रंजीता जी देखिए, रोहित, इस पूरे कांड के दो पहलू हैं। एक तो ये इस पूरे कांड के दो पहलू हैं। एक तो पहलू यही है कि ये कहानी गढ़ी गई है, मीडिया द्वारा रची गई है और टीआरपी बढ़ाने के लिए रची गई है। और दूसरा पहलू और भी, जिसके ऊपर से मुकर नहीं सकते, सब लोग इस चीज को वहां पे कबूल करते हैं कि वहां पे 100 से ज्यादा महिलाएं थी जो इधर से उधर भाग रही थी छिपने के लिए, वहां पर महिलाएं चिल्ला रही थी मदद के लिए, वहां पे महिलाओं के कपड़े पाए गए और सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी जो वीडियो कैच हुए हैं उससे लोगों को पता चला है कि वहां पे ये कुछ सब कुछ हुआ है। और उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके बाद सरकार अगर ये कहती है कि आंखें मूंद कर बैठी है कि अगर हमारे पास कोई क्लेमेंट आएगा तभी हम इस चीज पे विश्वास करेंगे, और दूसरी तरफ पुलिस जो है, जो वहां पे डिप्यूट थी, वो लोगों को ये कहती हुई नजर आई कि भाई इस चीज में, ये सब चीजों में मॉब इन्वॉल्व है, इसके बीच में आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, उल्टा आपकी ही बदनामी होगी, तो आप बेटर है कि घर जाइए और अपनी इज्जत को अपने पास बचा के रखिए। तो इस मामले में पूरे हरियाणा का पुलिस के ऊपर से और सरकार के ऊपर से विश्वास उड़ चुका है। और जो इस मामले में दो ट्रक ड्राइवरों ने अपने बयान दिए थे जो कि शाम को मुकर गए, और एक लड़की सामने आई जिसके साथ 15 साल की बेटी थी, उसने कहा कि मेरे साथ ये घटना हुई है। और ठीक है रंजीता जी, मैंने सब आप लोगों को इसलिए पूरा पूरा वक्त दिया, मैंने बीच में एक बार भी नहीं रोका, बिल्कुल ये चाहता था कि आप लोग अपनी बात जरूर रखें साफ तौर पर। अब मैं वर्धन साहब आपके पास आऊंगा, वर्धन साहब आप ही के पास आ रहा हूं जी। रोहित जी, मुरथल का मामला बड़ा गंभीर मामला है। मुरथल के मामले को लेकर हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेना पड़ा, मीडिया की जो रिपोर्टिंग हुई
उस रिपोर्टिंग ने पूरे हरियाणा के लोगों को हिला के रख दिया और विशेष तौर पर एक जाति विशेष को हिला के रख दिया जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है। उस विषय को लेकर के मीडिया ने जितना बढ़ा चढ़ा के इस मुद्दे को उठाया है उससे लगता है इसकी जांच हो सही ढंग से और पब्लिक को जानने का हक है, उनका एक मौलिक अधिकार है जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे कि इसकी सच्चाई सामने आए। अदरवाइज तो हरियाणा के लोगों की आज तक की जो बदनामी हुई है एक पर्टिकुलर कास्ट की वो हमेशा अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। हाई कोर्ट में पिछले दिनों में हमने इस केस में अपील होने का मौका मिला, पुलिस की जहां तक जांच थी पुलिस ने इसमें आज तक भी ऐसा कोई एविडेंस ऐसा कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई जो सरकार ने गठित की थी जिससे साबित होता हो कि वहां कोई रेप हुआ है। यदि पुलिस ठीक ढंग से जांच नहीं कर पाई तो इस विषय पर भी न्यायिक जांच के आदेश देने चाहिए ताकि पब्लिक का विश्वास जमे, विश्वास जमे कि इसकी सही जांच होके और क्लियर पिक्चर पब्लिक के सामने आने की जरूरत है इस केस में। जी अब जेटली साहब, हालांकि अब जेटली साहब की बात अभी सब लोगों ने आपने अपनी अपनी बात रखी, पूरा पूरा वक्त दिया हमने इसके बारे में। अब राजीव जेटली जी की बात भी सुन लेते हैं। बात फिर से देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कमेटी बनाई गई जिसमें एक डीआईजी राजश्री जिनकी प्रमुख बनाई गई और उन्होंने जितने भी लोग आए उनकी वीडियोग्राफी करी बकायदा ताकि बाद में जिस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं ऐसे इल्जाम ना लग पाए। और जितने भी विक्टिम सो कॉल्ड विक्टिम आ रहे हैं वो विक्टिम अभी तक एक भी पुलिस के सामने नहीं आया। अभी तक आपने देखा उसको सोशल मीडिया में या टीवी चैनल में या रंजीता मेहता जी ने पता नहीं प्रोफेसर रविंद्र सिंह से क्या बात करी है जो इन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी है। मैं कहता हूं एक एक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी लेकिन उसके लिए विक्टिम और कल्प्रिट तो आने चाहिए। अगर विक्टिम और कल्प्रिट नहीं होंगे तो आप खिलाफ किसकी कार्रवाई करेंगे? मैं ये कहता हूँ हमने हेल्पलाइन डाली, हमने हेल्पलाइन दी। रंजीता जी जो आपके सामने आए हैं उन्हें कहिए मैं मोबाइल नंबर भी देता हूँ, मैं हेल्पलाइन नंबर भी देता हूँ, वो वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। और अगर फिर भी नहीं लगता आपको इसी टीवी चैनल के माध्यम पे आए हमें बताए हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप मनगढ़ंत सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं आपने जो कहानी करी हम कहते हैं अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी लेकिन उसके लिए विक्टिम और कल्प्रिट दोनों चाहिए। अब वो दोनों ही हमारे पास नहीं है। अगर कोई है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है तो हम कहते हैं हम आश्वासन देते हैं वो सामने आए, कम से कम पुलिस के सामने आए। और क्योंकि अगर पुलिस के सामने आएगा और अगर कहीं ऐसा हादसा हुआ है जिसकी क्रिएशन कांग्रेस पार्टी रही थी, अगर ऐसा हादसा हुआ है तो विश्वास कीजिए बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहे हैं अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है तो वो आगे निकल कर आए और हमारे सामने अपने तथ्य रखे। लेकिन अगर नहीं है अपनी बात पूरी करनी है, आखिर में मैं इतना जरूर कहूंगा सब लोग आप हमारे साथ बने, मलिसा माफी चाहूंगा वक्त कम है, लेकिन एक बड़ी बात इस पूरा ये जो कुछ भी हुआ मूर्थल में, रंजीता जी सुन लीजिए मैंने आपकी बात भी सुनी सब लोगों की बात सुनी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि ठीक है मीडिया पर सवाल आप लोग उठा सकते हैं क्योंकि हम भी सब पर सवाल उठाते हैं, बिल्कुल जायज आप सवाल उठाइए। हाँ लेकिन ज्यादातर मीडिया की अगर हम बात करें पूरी जिम्मेदार भरी पत्रकारिता रिपोर्टिंग इस पूरे मसले पर हुई, जैसे मूर्थल के मामले की अगर बात करें हम इंडिया न्यूज हरियाणा की बात करें हमने कहा वहां पर कपड़े मिले हमने दिखाए, हमने वहां पर एक फर्जी गवाह वहां पर एक गवाह सामने आया कि साहब चश्मदीद हूं, एक पीड़िता भी सामने आई कि मैं पीड़िता हूं लेकिन हमने वो भी दिखाया पीड़िता सामने आई लेकिन जब वो मुकरी तब वो भी सबसे पहले हमने दिखाया कि साहब ये अपने बयान से मुकर गए हैं, ये फर्जी तरीके का मामला था। पीड़िता के परिजन ये कह रहे हैं कि नहीं साहब इनका तो इसी तरह के मामले दर्ज करवाती रहती है, तो हमने हर चीज दिखाई। रिपोर्टिंग के मानक अगर पॉलिटिकल पार्टियां तय करें तो शायद इस देश में रिपोर्टिंग ही नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये बात हम राजनीतिक पार्टियों की जरूर मानते हैं कि जिम्मेदारी भरी रिपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए, जो हमारे पेशे की सेंटिटी जिसे पवित्रता कहते हैं पेशे की उसके लिए भी बेहद जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि मूर्थल कथित रेप कांड का सच सामने आना जरूरी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा, इस पर सियासत भी हुई, भले आज सब पार्टियां कहें कि साहब ये है वो है, इनके तमाम नेताओं आपके तमाम नेता अलग अलग तरह के बयान देते रहे, हमने वो भी दिखाए, फिर तो वो भी नहीं दिखाने चाहिए थे, लेकिन अब तक सच आया उसे आप मानने को तैयार अब भी नहीं साहब मलिक साहब सच हम बिल्कुल सच मानने को तैयार, हम ही तो आपसे पूछ रहे हैं कि साहब बताइए क्यों हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है, कौन बदनाम कर रहा है, फिर उस साजिश का पर्दाफाश करिए, क्यों साजिश का पर्दाफाश नहीं हो रहा, ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता है ना कि मीडिया आखिरकार इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो, अगर कोई साजिश है और अगर ऐसा हुआ है तो कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन
प्रदेश का नाम बदनाम ना हो। और हाँ, एक और बात इस बहस में सामने आई कि कुछ लोगों ने कम्युनिटी को, मुझे नहीं पता कि मीडिया में, मैंने तो शायद ऐसा ध्यान नहीं दिया कि किसी चैनल में, या खैर मैं अपने चैनल की अगर बात करूं, कि किसी एक कम्युनिटी को कहा गया कि साहब वो इन्वॉल्व थी, ऐसा कहीं नहीं। बहरहाल आज की इस बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।